नमस्कार, मैं अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। ग्वालियर टेकनपुर में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले एक युवा संदीप राणा को उसका पड़ोसी लंबे अरसे से परेशान कर रहा है। दलित समाज का होने के नाते पड़ोसी संतोष जाटव उसे झूठे मामले में फंसाकर भविष्य चौपट करने की धमकी देता है। उसने पिछले दिनों झूठा मुकदमा भी दर्ज करवा दिया है, जिसकी जाट समाज के लोगों ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। संदीप जाट टेकनपुर में फेमस लाइब्रेरी करके एक संस्थान चलाते हैं, जहां उनके पास कई बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने आते हैं। संदीप राणा का आरोप है कि संतोष जाटव ने दुकान खाली करने के लिए धमकी दे रहा है, अन्यथा ₹1000 प्रतिमा चुकाने की बात मानने को कह रहा है। उसने पिछले दिनों टेकनपुर चौकी में दलित उत्पीड़न का झूठा मुकदमा भी संदीप के खिलाफ दर्ज करवा दिया है। जाट समाज के लोगों ने इस मामले में SP से मिलकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है और पड़ोसी संतोष पटेल और संतोष जाटव के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की है। उनका यह भी कहना है कि संतोष अक्सर दलित उत्पीड़न में लोगों को फंसाता है और उनसे पैसे वसूलने के बाद समझौता कर लेता है। मेरा नाम संदीप सिंह राणा, मैं टेकनपुर का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी का नाम पोषण सिंह राणा है। जिन्होंने मेरे पे FIR कराई उनका नाम संतोष गोयल है उर्फ संतोष पटेल उर्फ संतोष जाटव। वो तीन नामों से FIR कराते हैं लोगों पे, ताकि उनका रिकॉर्ड ज़्यादा ना बने। उनके खिलाफ कई FIR है, मैंने खुद पढ़ी हैं। उन्होंने मेरे ज़्यादा करके ज़बरदस्ती करके मारपीट की और झूठी FIR करा दी, और कम से कम 5-6 दिनों पहले से धमकी दे रहे थे कि भविष्य तेरा बर्बाद कर दूंगा। वजह ये है कि मैं लाइब्रेरी संस्था चलाता हूँ, उसके पास में इनकी खाद की दुकान है। तो इनका क्या है, एक तो ये बिजनेस टाइप का बन गया है मारपीट करना और FIR कराना। इनके इतने रिकॉर्ड हो गए, राजीनामा करते हैं तो व्यक्तियों से पैसे लेते हैं। तो इनको कई बार समझाया, लेकिन मारपीट करने के बाद हम पे झूठी FIR करा रहे हैं। अभी क्या आश्वासन मिला, क्या बोला सर ने? बोला है कि जांच होगी, इसकी निष्पक्ष जांच होगी, गुनहगार होंगे तो उन्हें सजा दिलवाई जाएगी। मेरा नाम ओंकार चौधरी है, जाट समाज से संबंध रखता हूँ मैं, और ये हमारा भाई है, ठीक है ना। इसके टेकनपुर का रहने वाला है। इसके साथ क्या हुआ, हरजन समाज के एक व्यक्ति ने झूठी FIR करा दी है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये लाइब्रेरी चलाता है। इसके यहाँ स्टूडेंट आते हैं, उनके उन पर कमेंट्स करना, उनके खिलाफ बदतमीजी करना, उनकी गाड़ियों में छेड़छाड़ करना, उसको ये रोकने का प्रयास किया तो हरजन समाज के व्यक्ति ने FIR करा दी। तो हमारा पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से केवल इतना निवेदन है कि एक तो उसकी जाँच हो जाए गहनता से, दूसरा उस व्यक्ति का चरित्र ऐसा है कि वो 10-12-15 FIR डबरा और टेकनपुर चौकी में करा चुका है और उसके बदले में राजीनामा कर लिया और पैसा ले लिया, और शासन जो मदद मिलती है जिसका वो दुरुपयोग कर रहा है उसको रोका जाए, और ये सब क्योंकि इन घटना की पुनरावृत्ति ना हो। कारण ये है कि लड़का नौकरी देख रहा है, अगर FIR हो गई और लड़का जेल चला गया तो सामाजिक बहिष्कार हो जाएगा, ये सब जानते हैं, और दूसरा नौकरी नहीं कर पाएगा तो एक भविष्य और बर्बाद हो जाएगा फालतू। दूसरा, जाटों पे ये आरोप आता है कि जाट उग्र प्रवृत्ति के हैं, ऐसा है, अपराध में संलिप्त रहते हैं, तो कम से कम एक व्यक्ति को इसलिए तो रोका जा सकता है कि कम से कम अपराध की तरफ अग्रसर ना हो, बस ये निवेदन है हमारा। तो क्या नाम है उसका, कौन है, क्या नाम है? उनका नाम संतोष गोयल है। एक मिनट, एक मिनट। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि Instagram और Facebook को भी आप फॉलो कर सकते हैं।